in this section i will explain the concept of beta and risk premiums when we are dealing with the individual securities so we were talking about capital asset pricing model and when we are dealing with the capital asset pricing model we do take into account the risk premium and the beta values so it is important to understand what is meant by the beta in capm so basically what we are इट इज़ सिम्पल टू एक्सेप्ट दिस रियालिटी दैट इफ सपोज वी आर वी आर हैविंग टू सिक्योरिटीज एंड द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ए इज लार्जर देन द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी बी यानी कि बी सिक्योरिटी में पैसा करना पैसा इन्वेस्ट करने से जो आपको रिटर्न मिल रही है उसकी रिस्क कम है एज कम्पेयर टू रिस्क इन दिक्योरिटी ए तो इफ़ यू आर टेकिंग मोर रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटी ए अ हायर रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी ए तो दिस इज कॉन्सेप्ट. सो जहाँ जिस भी सिक्योरिटी के साथ हाई रिस्क इन्वॉल्व होगी उससे आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये मुझे ज्यादा बड़ा रिटर्न देगी एज कम्पेयर टू दूसरी सिक्योरिटीज जिनके अंदर रिस्क कम है जिससे जो रिटर्न में वापस आने के लिए जो आप एक्सपेक्टेड रिटर्न है दैट इज लोअर एज कम्पेयर टू दिस मंथ राइट सो देशन नाउ इफ वी लुक एट दिसन में पोर्टफोलियो कौन सी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर हमने डिस्कास किया था कि हमें सी एम एल को लेना है कैपिटल मार्केट लाइन को लेना है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को लेना है एफिशियंट फ्रंटियर के साथ में और वहां क्या हो रहा होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो मैक्सिमम मिल रहा है एक गिवन लेवल ऑफ रिस्क के ऊपर सो so, इसलिए हम उस पर्टिकुलर एलोकेशन ऑफ एलोकेशन वाले पॉइंट को बोलते हैं एज द ऑप्टिमल पॉइंट नाउ इफ वी लुक इट इन टर्म्स ऑफ द बीटा नाउ बीटा इज द इज इक्वल टू द रेशो ऑफ सिग्मा जे मैंने फॉर्मुला में लिखा है सिग्मा जे मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है डिवाइडेड बाय द सिग्मा स्क्वायर ऑफ एम तो आपने करना क्या है बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज आपने कोवेरियंस निकालना है किसी एक सर्टन इंडिविजुअल सिक्योरिटी के रिटर्न का मार्केट के रिटर्न के साथ कोवेरियंस का मतलब है कि उनकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है तो एक सर्टन इंडिविजुअल सिक्योरिटी के रिटर्न का मार्केट रिटर्न के साथ में कोवेरियंस को आप अकाउंट फॉर करेंगे और ओवरऑल मार्केट के रिटर्न में क्या वेरिएशन चल रहा है तो अगर आप कोवेरियंस को एक सर्टन इंडिविजुअल सिक्योरिटी का मार्केट रिटर्न के रिटर्न का मार्केट रिटर्न के साथ कोवेरियंस डिवाइडेड बाय द वोलेटिलिटी इन द मार्केट का मैर को आप अकाउंट फॉर करते हैं तो इफ यू कैलकुलेट द रेशियो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द टोटल रिस्क इनवॉल्व इन

From J will be equal to the covariance between the return on the security J and the return on the market portfolio or divided by आपने volatility of the market को account for किया और इससे आपको मिलेगा मायर कि उस particular security के का risk क्या है और उसको हम represent करते हैं बीटा से तो अगर suppose आपने security A है या security आपने uh, का कोई भी नाम अस्यूम करा हुआ है बी है सी है या कोई भी आपने कंपनी का नाम रखा हुआ है तो दैट कैन बी गिवन बाय सिंपली द रेशियो ऑफ दीज टू वैल्यूज एंड दिस विल गिव यू द मेजोर ऑफ द सिक्योरिटीज रिस्क सो सिक्योरिटी रिस्क को हमने अकाउंट फॉर करना है और हमने रिस्क प्रीमियम को अकाउंट फॉर करना है और ये दोनों चीजें मिल के आपको बताती हैं कि हाउ द इक्वेलिब्रियम कैन बी स्टेब्लिश सो इन इक्वलिब्रियम एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम एन इंडिविजुअल सिक्योरिटी जे माइनस द रिस्क फ्री रिटर्न इसको हम बोलेंगे एक्सेस रिटर्न ऑन सिक्योरिटी जे सो दिस कैन बी टर्म्ड एज एक्सेस रिटर्न ऑन सिक्योरिटी जे इज इक्वल टू द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी जे मल्टीप्लाइड बाय ये एक्सेस मार्केट रिटर्न है यहाँ हम क्या करें गौर से देखिएगा यहाँ हम जे ले रहे हैं या हम मार्केट पोर्टफोलियो के रिटर्न को ले रहे हैं राइट सो हमने कोई बेंच करा हुआ है मार्केट का पोर्टफोलियो उस पर्टिकुलर रेफरेंस को हम इस्तेमाल करें उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न को मल्टीप्लाई करेंगे हम अपने रिस्क की वैल्यू से और उससे हमें पता चलेगा कि हमारा एक्सेस रिटर्न ऑन सिक्योरिटी जे क्या होगा